बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग व्लॉग। आज के व्लॉग में शामिल है सुबह का नाश्ता बनाना, जिसमें मैं बना रही हूँ बत्तख, डक जिसको कहते हैं। तो बत्तख का आज मैं सालन बनाने लगी हूँ। इसके लिए मैंने घर में जो आम चीज़ें होती हैं बस वही ली हैं, प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक है, हरी मिर्च है। और साथ जब हम इसे बनाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में ऑयल गरम कर लिया है मैंने, इसमें मैं शामिल करूंगी प्याज। प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ सब्ज मिर्च और टमाटर। हम इसका एक अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कुछ मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और दड़ा मिर्च। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ ये मीट, बत्तख का गोश्त। इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे हम 15 से 20 मिनट तक। बत्तख के गोश्त को काफ़ी देर तक भुनाई करनी पड़ती है, नहीं तो फिर इसमें से स्मेल आती है कच्ची कच्ची। बत्तख का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल देसी मुर्गे की तरह का। गोश्त की भुनाई करते रहें और साथ साथ हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहें ताकि गोश्त जले ना। ये गोश्त की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब मैं ढक्कन बंद करके वेट लगा दूंगी और 15 मिनट के बाद फिर खोल के चेक करूंगी। ये 15 मिनट के बाद अब मैं वेट उठाने लगी हूँ। ये सालन हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है, अब इसमें मैं मसाला शामिल कर दूंगी। खुश्क धनिया, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी, ये मैंने कूटे थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब सालन एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है बत्तख की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। टीचर्स कुकिंग व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।